فاتحة. माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबियीन शफीउल मुज़नबीन رحمت للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولى الثقلين سيد الكونين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتِ ذِي القربى حقه صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مسلسل آپ حضرات کے سامنے بعنوان فدق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس عنوان فدق میں الگ الگ موضوعات الگ الگ طریقے اور نحت سے آپ حضرات کے سامنے حقائق پہنچانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو حضرات روز تشریف لا رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم نے فدق کے حوالے سے پہلے دن فدق کی تاریخی حقیقت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی فدق زمینی اور جغرافیائی اعتبار سے اس کی حد کیا ہے کیسے یہ فدق کا علاقہ بسا کس طریقے سے یہ نبی تک پہنچا نبی کے بعد کیسے شہزادی تک پہنچا شہزادی کے بعد اس سرزمین اور جاگیر فدق کا کیا حال رہا اور کیا احوال رہے کس کس کے ہاتھوں یہ فدق چلتا رہا اور جاتا رہا دوسرے دن ہم نے یہ آپ کی خدمت میں بتانے کی سعادت حاصل کی کہ فدق کے ذریعے سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی باغ شہزادی کا ہے بلکہ فدق کے ذریعے سے اہل بیت کے سلسلے سے الگ الگ حقائق اور حقیقتیں ثابت ہوتی ہیں اس کا مطلب فدق صرف باغ کا مسئلہ نہیں تھا فدق ایک مکمل خاندان اہل بیت کی عظمتوں کا مسئلہ تھا اس لیے کہ فدق نے کئی چیزیں ثابت کی ہیں مثلاً رسول کا
एक ही बेटी होना शहजादी फातिमा इकलौती बेटी है ये भी फिदकी साबित करता है। रसूल के बाद जो भी खिलाफत के दावेदार हैं वो बातिल पर हैं ये भी फिदकी साबित करता है। और ऐसे बहुत सारे सबूत हमने आपके सामने फराहम किए जो फिदक के जरिए से साबित होते हैं। कल की मजलिस में हमने गवाहों पर गुफ्तगू की कि पहले तो हक ही नहीं था कि कोई शहजादी से गवाह मांगे। गवाह मांगे हैं तो शहजादी ने किस किस को गवाह के तौर पर पेश किया, उनकी अजमतें क्या हैं, उनकी बुलंदियां क्या हैं, उनकी फजीलतें क्या हैं। कल हमने गवाहों के सिलसिले से आप हजरात की खिदमत में गुफ्तगू की। आज की गुफ्तगू जिराह के सिलसिले से होगी, यानी शहजादी ने तीन तरीके से साबित किया है कि फिदक उनका है। पहला तरीका मिल्कियत कब्जे की वजह से शहजादी ने यह साबित किया है, चूंकि मेरा कब्जा है तो मैं ही फिदक की मालिका हूं। ये नहीं मानते तो दूसरे तरीके से साबित किया है, वो दूसरा तरीका कौन सा? हिबा नामे का, यानी हिबा के जरिए साबित किया है कि मेरे बाबा ने मुझे फिदक हिबा की था, और वो तहरीर भी दिखाई कि जिसमें रसूल ने शहजादी फातिमा को फिदक देते वक्त तहरीर लिखकर इनायत फरमाई थी। तीसरा तरीका विरासत का है, विरासत के जरिए से भी शहजादी ने साबित फरमाया है कि फिदक उन्हीं का है। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आज इसी विरासत के सिलसिले से गुफ्तगू होनी है और इसी के ऊपर जो हाकिम वक्त से शहजादी ने जिरा फरमाई है और जो दलाइल पेश फरमाए हैं, जो इस्तदलाल पेश फरमाए हैं, उन इस्तदलाल के ऊपर बात होनी है। और हाकिम वक्त ने सामने से जो हदीस झूठी सुनाई है उस हदीस के सिलसिले से भी गुफ्तगू होनी है कि वो हदीस कहां तक शरीयत में आर पे खरी उतरती है और शहजादी का इस्तदलाल किस मेयार का था जो शहजादी ने दलायल दरबार में बयान फरमाए। अर्ज ये करना है कि जाहिर सी बात है जो अफराद आए हैं दरबार में चलकर, शहजादी फातिमा, मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये पहली मरतबा जमा होकर नहीं आए हैं। इससे पहले भी कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पे ये सब एक साथ दिखाई दिए, मसलन जैसा कि रोजी तस्करा हो रहा है, मैदान मुबाहला में ये सब शख्सियतें एक साथ नजर आई हैं। इन शख्सियतों के मिलने का कमाल क्या है, इसको समझना हो तो शहजादी की चादर में देखिए, जहां पे सब एक साथ नजर आए हैं, सब एक जगह नजर आए हैं। मैं अजमतें बयान करता जाऊंगा, आप शहजादी की अजमतों को सलाम करते जाइएगा। वाकया सुना हुआ है सबका, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिस जिसका मजलिस सुनने का प्लान हो वो कम से कम आगे तशरीफ ले आए, बाकी अपना इबादतें करते रहें, कोई मसला नहीं है। जिनका मजलिस सुनने का इरादा हो वो कम से कम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। थोड़ा सा भी आप लोग आ जाएंगे मेरी काफी होगा। सलामत रहिए। हुजूर तशरीफ लाए हैं और क्या फरमाया कि मैं अपने बदन में जौफ महसूस कर रहा हूं, मुझे अपनी चादर दे दीजिए। रसूल को जौफ महसूस हो रहा है, रसूल किसी तबीब के पास जाते, हकीम के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, शहजादी के पास क्यों तशरीफ लाए हैं? पहले दिन जो मैंने आपके सामने हदीस पेश की थी, जो उस दिन होंगे मौजूद उनके जहन आलिया में होगा, कि पहले दिन ही मैंने अर्ज किया था कि हुजूर ने फरमाया अन्ना फातिमता रूही अल्लती बैना जम्बैया, फातिमा मेरी वो रूह है जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान रहती है।
तो रसूल ने ज़ौक महसूस फरमाया और शहजादी के पास तशरीफ़ लाकर यही फरमाने की कोशिश फरमाई है कि फातिमा मेरी रूह है, मेरी रूह का मतलब रिसालत की रूह है और रूह के जरिए से ही जिंदगियां जिंदा रहती हैं। रिसालत की जिंदगी का नाम फातिमा है, इसलिए रिसालत चल के दरे फातिमा पे आई है। जब बदन में ज़ौक महसूस हुआ और चादर मांगी। अब ये महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, बाहमी फजीलत बता रहा हूं सबकी एक फजीलत, ताकि फिदक का मामला समझने में और आसानी हो जाए। चादर में रसूल है, इमाम हसन तशरीफ लाते हैं, आके सवाल करते हैं कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। शहजादी इशारा करती है चादर की तरफ, इमाम हसन चादर में चले जाते हैं, फिर इमाम हुसैन आते हैं, फिर फरमाते हैं कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। शहजादी फिर इशारा फरमाती है, इमाम हुसैन चादर में चले जाते हैं, फिर मौला तशरीफ लाते हैं, वो भी आकर रिश्ता बदल के यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। शहजादी फिर इशारा करती हैं। सवाल मेरा यह है कि अजमत फातिमा आपको महसूस नहीं हुई? ये जो आ रहे हैं इन सब का ओहदा क्या है, मनसब क्या है? ये सब के सब इमाम हैं और जो चादर में आराम फरमा रहे हैं वो नबी हैं। ये आने वाले इमाम हैं, इन्हें चल के जहां जाना है वो नबी है। ये आने वाले इमाम हैं, चल के जहां जाना है वो नबी है। अभी तवज्जो नहीं फरमाई, जो इमामत को नबूवत तक पहुंचा दे उस बीबी को फातिमा कहते हैं। एक सलवा पढ़ें मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फजीलत और बुलंदी का मयार और आगे बढ़ा, बाहमी फजीलत समाप्त फरमाएंगे। आप तवज्जो फरमाइए। इमाम हसन तशरीफ लाए तो क्या फरमाया कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। यहां तक तो मसला ठीक है, लेकिन इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो उन्हें असल में सवाल क्या करना चाहिए था कि मैं नाना और भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। भाई चादर में तो अब दो शख्सियतें हैं ना, एक शख्सियत तो नहीं है, चादर में है दो, तो सवाल क्या करना था कि मैं नाना और भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। लेकिन इमाम हुसैन ने सवाल क्या किया कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। इमाम हुसैन चले गए चादर में, अब कितनी शख्सियतें हो गई, तीन। अब मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं तो उन्हें क्या सवाल था कि मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं और अपने बेटों की खुशबू महसूस कर रहा हूं। लेकिन मौलाए कायनात ने भी आकर वही सवाल किया कि मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। हसन आए नाना की खुशबू, हुसैन आए नाना की खुशबू, अली आए भाई की खुशबू, मौला हुसैन आपको कम से कम सवाल करना था कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अली आपको सवाल करना था कि मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं, अपने बच्चों की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अलग अलग क्यों तस्करा नहीं फरमाया? शायद अहले बैत यकज़बान होकर जवाब दे, इतनी छोटी सात समझ में नहीं आती। खुशबू अलग होती तो सवाल अलग होता, खुशबू सबकी एक थी इसीलिए सवाल भी एक क्या है। जो नबी की खुशबू है वही हसन की खुशबू है, वही हुसैन की खुशबू है, वही अली की खुशबू है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। अब ये सब लोग जमा हो गए चादर में, एक इज्तिमा जमीन पे हुआ, फौरन एक इज्तिमा आसमान पे कायम हो गया। फरिश्ते ने परवरदिगार से पूछ लिया, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? अल्लाह ने जवाब में क्या फरमाया? हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है,
फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, बड़ी बड़ी बात करने जा रहा हूं, पहुंचे तो बताइएगा। यह अहले बैत का पहला तारुफ नहीं कराया है खुदा ने, इससे पहले ही जब पांचों अर्श पर थे तब भी तारुफ कराया था। दोनों रिवायतें हैं, जनाब आदम ने सवाल किया, परवरदिगार उन्हें तो पहचानवा दे जिनकी वजह से मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। फरिश्तों ने सवाल किया, परवरदिगार उन्हें तो पहचानवा दे कि जिन्होंने हमें इल्म सिखाया, जिन्होंने हमें सिखाया कि तुझे सजदा कैसे करना चाहिए, जिन्होंने हमें सिखाया कि तेरा जिक्र कैसे करना चाहिए। अल्लाह ने जाम में क्या फरमाया? जवाब में यही फरमाना, अना महमूद हाजा मोहम्मद, अना आला हाजा अली, अना फातिर हाजही फातिमा, अना मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। तारुफ पेश फरमाया परवरदिगार ने अहले बैत का, कैसे पेश फरमाया? मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, मैं आला हूं, ये अली है, मैं फातिर हूं, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूं, ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूं, ये हुसैन है। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। अल्लाह तारुफ फरमा रहा है अहले बैत का अर्श पर, कैसे तारुफ फरमाया? अपने जरिए मरकज में खुद को रखा और अपने जरिए अहले बैत का तारुफ कराया। अब भी आप चुप बैठे हैं, मरकज में खुद को रखा और अपने जरिए अहले बैत का तारुफ कराया, लेकिन जब जमीन पे अहले बैत का तारुफ हुआ तो अपनी मैं को हटाया, अपनी जगह पे फातिमा जहरा को रख दिया। एक सलावत पढ़े मिल के पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपनी जगह शहजादी फातिमा को रख दिया। इसका मतलब यह है अहले बैत का तारुफ जब आसमान पे होता है तो अल्लाह के जरिए होता है, जब जमीन पे होता है तो फातिमा जहरा के जरिए होता है। अच्छा, चादर में सिर्फ फातिमा थोड़ी है, चादर में रसूल भी है, अली भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, शहजादी फातिमा भी है। परवरदिगार यह भी कह सकता था कि ये रसूल हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने क्या फरमाया? ये फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, इसमें नाम तो सिर्फ एक है, बाकी तो सारे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार भी किसके? फातिमा के बाप, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। नहीं तवज्जो फरमाई, परवरदिगार ये कह सकता था ये रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद है, रसूल के नवासे हैं। मरकज तारुफ में तूने फातिमा ही को क्यों रखा और फिर तारुफ कराया फातिमा के रिश्तेदारों के जरिए अहले बैत का, कि फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह शायद जवाब दे, जो मैं जाता हूं वो तुम ही जानते, थोड़ी देर के बाद मुझे नाजिल करनी है आयत तथीर, इसलिए मैंने मरकजे तारुफ में फातिमा को रखा ताकि कायदा बन जाए कि कयामत तक आने वाली नस्लें समझ ले, अगर किसी जमाने में किसी को सनक उठे कि आयत तथीर में फलाने को शामिल कर दो, फलाने को शामिल कर दो, फलाने को शामिल कर दो, तो मैं पहले ही कायदा बता रहा हूं कि अगर आयत तथीर में कभी किसी को शामिल ना होना तो फातिमा के रिश्तेदार लाना, रसूल के रिश्तेदार ना लाना। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलामत रहिए। बिल्कुल मुतवज्जे हाफिजात, तो हम अपने मौजू से मुत्तसिल हो गए। यही अफराद पहुंचे हैं दरबार में, ये वही दरबार है जिसमें शहजादी तशरीफ ले जाती थी तो रसूल पूरे कद के साथ खड़े हो जाते थे। वही जगह है, मस्जिद वही है, दर वही है, मेहराब वही है, मिंबर वही है, बस मिंबर पर बैठा हुआ शख्स बदल गया है और बैठने की जगह बदल गई है। आप सोचेंगे बैठने की जगह कैसे बदली? तारीख आपको मालूम भी है, यह अर्शा होता है,
پہلے زینے پر سب سے اوپر رسول بیٹھا کرتے تھے. رسول کے بعد جب خلافت آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے کو خلیفہ کہا تو خلیفہ صرف کہا بتا نہیں پائے, اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ بھی بدل دی. بھائی اگر خلیفہ ہے تو بیٹھنے کی جگہ تو کم سے کم وہی رہتی, بیٹھنے کی جگہ بھی بدل دی اور نچلے زینے پہ چلے گئے. دوسرے والے آئے تو انہوں نے دونوں احترام میں اور نچلے زینے پہ چلے گئے. تیسرے والے آئے تو انہوں نے پہلے والوں کے احترام میں اور نچلا زینہ تھام لیا. نہیں توجہ فرمائی, خلافت جا رہی تھی زمین کے اندر, علی نے امامت کو بلندی پہ لا کے پھر منبر پہ بٹھا دیا اور مولا کائنات تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا, سارا مجمع چھلک رہا ہے, مکمل مجمع چھلک رہا ہے. عالم یہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا نا, اکثریت مولا علی کو جانتی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ آپ مائک کے دوران سنتے ہیں نا کہ شہزادی مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرا. یعنی عالم ایسا کر دیا گیا تھا کہ کوئی علی کے پاس تک نہ پہنچے. جو 23 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا اب وہ 23 سال کا جوان ہے, مسجد پوری بھری ہوئی, شانوں سے شانے لگے ہوئے. اتنے میں پیچھے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے روک کے کہا کہاں جا رہے ہو, تمہیں پتا نہیں ہے آج خلیفہ وقت کی بیعت ہونے والی ہے. اس شخص نے مسکرا کے فرمایا مجھے جانے نہیں دو گے تو بیعت کس کی کرو گے, اور علی مجمع کو چیرتے ہوئے منبر تک پہنچے. سب کی نگاہیں سب کے سب ٹک ٹکی باندھے منبر کو دیکھ رہے ہیں. علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پر قدم رکھا اور وہاں آ کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, اور ایک عظیم المرتبہ جملہ ارشاد فرمایا, الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مقامہ. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے حق کو اپنی جگہ پہنچا دیا. اب لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئی, منظر بھی بیان کیا ہے تاریخ نے, علی ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے. لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئی کہ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کان میں بولنا شروع کیا. علی نے اپنی نگاہیں اٹھائی, طائرہ نہ نظر سارے مجمع پہ ڈالی, پوچھا کیا بات ہے, کیا چہمی گوئیاں چل رہی ہیں. کسی نے جرت کو سمیٹا, کھڑا ہوا, کھڑے ہو کے بولا, یا علی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. علی کا جواب بھی بڑا تاریخی تھا, جیسے ہی اس نے کہا نا کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, تاریخ لکھتی ہے کہ علی پلٹے, منبر پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا, فی ما ہاذہ الخشب, ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے, میرے پیر تو وہاں بھی پہنچے ہیں جہاں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. ایک سلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو پہلا ملکیت کا دعویٰ کیا, دوسرا ہبا کا دعویٰ کیا, تیسرا وراثت کا دعویٰ کیا. جب گواہ مانگے شہزادی سے تو ایک اور جملہ سنتے جائیے, بڑی معیاری گفتگو یہاں مولا کائنات نے بھی فرمائی ہے, وہ مولا کائنات کی گفتگو سن لیجئے, ذہن میں رہ جائے گی انشاءاللہ ہمیشہ. جب مقدمہ ختم ہو گیا اور شہزادی چلی گئی گھر اپنے, تو مولا کائنات تشریف لائے خلیفہ اول کے پاس, بڑا عجیب سوال کیا کہ یہ بتاؤ, اگر کوئی آ کے شہزادی فاطمہ کے سلسلے سے ان کے اوپر کوئی الزام یا بہتان باندھے, الزام یا بہتان باندھے, تو تم کیا کرو گے؟
کہ اگر گواہ پورے ہوئے تو میں فاطمہ کو ایسے ہی سزا دوں گا معاذ اللہ جیسے اور خواتین کو دوں گا. پہنچے یہ بات؟ مولا کائنات, اب مولا کائنات کا جملہ سنیے. مولا کائنات نے فرمایا تو تم ایسی صورت میں کافر ہو جاؤ گے. کیا فرمایا مولا نے؟ تم ایسی صورت میں کافر ہو جاؤ گے. کہ کافر کیسے ہو جاؤں گا؟ اگر گواہوں نے گواہی دے دی فاطمہ کے خلاف تو میں کافر کیسے ہو جاؤں گا؟ کہ تم کافر اس لیے ہو جاؤ گے کہ تم نے اللہ کے مقابلے پر لوگوں کی گواہی مان لی. اللہ کے مقابلے پر تم نے لوگوں کی گواہی مانگ لی. کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فاطمہ کی طہارت کی گواہی تو آیہ تطہیر میں اللہ دے رہا ہے, اور جب جس کی اللہ گواہی دے رہا ہے لاکھ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اس کے مقابلے پر آ کر. آپ نے محسوس فرمایا یہ صاحب ہے کون؟ خلیفہ اول صاحب. انہیں پہلی بار کافر کہا یا سوچا نہیں گیا ہے؟ جس جس کی تاریخ پر نظر ہے اللہ کے لیے بتائے گا. انہیں پہلی بار کافر کہا یا سوچا نہیں گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے. شب ہجرت تھی, یہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے. تاریخ کہتی ہے نبی اور تیز تیز چلے, یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, نبی اور تیز تیز آ رہے ہیں. انہوں نے قدم بڑھایا, نبی کے پاس پہنچے, پوچھا یا نبی اللہ آپ میرے پیروں کی آواز سن کے تیز تیز کیوں چل رہے تھے؟ رسول نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کوئی کافر آ رہا ہے. اللہ جانے کہاں بات پہنچی, کہاں رہ گئی. میں سوچ رہا تھا کوئی کافر آ رہا ہے. اب سوچئے اللہ جانے مسلمان اسے خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے جسے نبی نے کافر سوچا ہو, علی نے کافر کہا ہو. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہیے. گواہیاں مکمل ہوئی, گواہیاں مسترد کر دی, تب شہزادی نے وراثت کا دعویٰ پیش فرمایا. اب وہ بڑی عظیم جراح ہے وراثت کی. انہوں نے کہا وارث مانو, اور جملہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک بھی لفظ بدل نہیں رہا ہوں. شہزادی نے ایک مرتبہ باواز بلند کہا یا ابن ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے. تیور دیکھ رہے ہیں, تیور ملاحظہ کر رہے ہیں. اے ابو قحافہ کے بیٹے, اب آپ کو سمجھ میں آیا زینب جو معاویہ کے بیٹے کے سامنے دربار شام میں بول رہی تھی لہجہ چاہے علی کا ہو تیور فاطمہ ہی کے تھے. اور شہزادی نے یہ فرمایا اے ابو قحافہ کے بیٹے, چونکا وہ. شہزادی نے فرمایا کہ تو قرآن کے قانون کے اعتبار سے اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے؟ بھئی قرآن کا قانون کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہے, میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی. انہوں نے سنائی سامنے سے حدیث نحنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورسو ما ترکناہ الصدقہ, ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب شہزادی نے غضبناک انداز میں وار کیا, حملہ کیا, کہ میرے بابا پر اتنی جلدی جھوٹا بہتان. ہم گروہ انبیاء, پہلے ہم اس حدیث کو چیک کرتے ہیں عقیدت کے چشمے سے نہیں, عدالت کے چشمے سے. ہم عدالت کے چشمے سے پہلے اس حدیث کو چیک کرتے ہیں. کیا ہے حدیث؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ حدیث سے کیا مطلب ہے؟ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا, یعنی نبی جو بھی چھوڑ کے جائیں گے
उनका कोई वारिस नहीं होगा, वो आ जाएगा बैतुल माल में, हुकूमत के खजाने में, आम मुसलमानों के लिए। नहीं तवज्जो फरमाई, बड़ी सख्त बात है, मगर अगर पहुंच जाए दिल तक तो बताइएगा। जब यह हदीस बता रही है कि नबी का कोई वारिस नहीं बनता, तो नबी से बाग छोड़ के थोड़े गए थे, नबी तो हुजरे भी छोड़ के गए थे। जब नबी का कोई वारिस ही नहीं बनता तो सबसे पहले तो आपको हुजरे खाली कराने चाहिए थे, और कम से कम किसी का खाली कराते न कराते अपनी बेटी को तो अपने घर बुला ही लेना चाहिए था। जब तक हो गया कि नबी वारिस बनता ही नहीं है, तो फिर कोई भी वारिस नहीं बनता ना नबी का। और आगे बढ़िए, इस हदीस में खुद ही वो उलझ गए, परेशान है खुद। हदीस इन्होंने गढ़ के तो सुना दी, मगर उलझ खुद ही गए, बातों में खुद ही तजाद। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इब्ने अबिल हदीद ने शरह नज़ुल बलागा में जो फिदक का पूरा वाकया तहरीर फरमाया है, उसमें उन्होंने लिखी है बात कि इस हदीस में और खलीफा के अमल में बहुत तजाद है। हदीस अलग है, इनका अमल अलग है। उन्होंने तहरीर भी किया कैसे अलग है। उन्होंने कहा कि अगर कोई वारिस नहीं होता है रसूल का, रसूल विरासत नहीं छोड़ते हैं, तो इन्होंने अपनी बेटी से ये क्यों वसीयत की कि मुझे नबी वाले हुजरे में दफन कर देना। भाई वो जमीन जो नबी के हुजरे की थी, उसका कोई वारिस तो नहीं हो सकता। उन्हें अपनी बेटी से इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए तो उनकी बेटी वारिस कहां से होगी। भाई जब नबी की बेटी वारिस नहीं हो सकती, तो उनकी अपनी बेटी कैसे वारिस हो जाएगी नबी के माल का। उन्हें करना यह चाहिए था कि मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए था, और इकट्ठा करके कहना चाहिए था, भाई देखो नबी ना वारिस बनता है ना नबी वारिस बनाता है, मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, मुझे दफन होना है नबी की जमीन पर, वो जमीन सब मुसलमानों की है, तो तुम सब इजाजत दो तो मैं दफन हो। ऐसा नहीं किया, अपनी बेटी से इजाजत ली। इसका मतलब क्या हुआ, हदीस अलग है, अमल अलग है। फिजाल इब्ने हसन अहले बैत के चाहने वाले थे, वो एक दिन आ गए अबू हनीफा के पास। अबे अहले बैत के चाहने वाले तो बस मौका ही तलाश करते रहते हैं, कहीं से मौका मिले वो पहुंच गए। मजमा बैठा हुआ है, कोई सवाल कर रहा है, पहुंच के उन्होंने पूछा, सरकार मेरा भी एक सवाल है। कहा जी बताइए। कहा मेरा भाई अहले बैत का बड़ा चाहने वाला है, और मैं सरकार मैं तो आपकी मोहब्बत में दिनों रात बस आप ही के कसीदे पढ़ता हूं, और मैं तो खुलफाए राशिदीन का चाहने वाला हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत है उन लोगों से, मेरी बहस होती रहती है मेरे भाई से। क्या बताओ। कब मेरा भाई कहता है कि अली अफजल है, मैं कहता हूं कि ये दोनों अफजल हैं। अब मुझे कोई ऐसी तकनीक बताइए कि मैं साबित कर सकूं कि ये दोनों ही अफजल हैं। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाके अपने भाई से कहना कि इन दोनों की अफजलियत के लिए यही बात काफी है कि वो नबी के बराबर में दफन है, नबी के बराबर में दफन है। फजाल इब्ने हसन फौरन बोले, सरकार बिल्कुल मैंने यही बोला, जो आपने बोला मैंने भी बिल्कुल वही बोला, लेकिन सरकार उसने तो मुझे टका सा जवाब दे दिया। का क्या जवाब दिया। का उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो दफन है तो क्या वो उनकी अपनी जमीन है। वो उनकी अपनी जमीन है, अगर अपनी जमीन थी और नबी को तोहफे में दे दी थी तो तोहफा लेके उन्होंने दे के वापस कर लिया, और जो तोहफा दे के वापस करे रसूल की हदीस में है वो ऐसा ही है जैसे उसने अपना लुआब निकाल के वापस चाट लिया हो। पहुंचे बात। अच्छा तो फिर उससे ये कहना कि नहीं वो नबी की जमीन तो है मगर उनकी बेटी को विरासत में मिली। तवज्जो अजीजो, उनकी बेटी को विरासत में मिली, तो चूंकि बेटी थी तो उन्होंने बाप को दफन होने की इजाजत दे दी। फिजाल बेसन फिर बोले कि मैंने भी बिल्कुल यही बोला था।
मगर उसने मुझे पलट के फिर जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि इन्हीं साहब जो दफन है बराबर में, इन्होंने ही फरमाया था कि इन्होंने नबी से सुना है कि हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। जो विरासत नबी की बेटी को नहीं पहुंची, वो विरासत इनकी बेटी को कैसे पहुंच सकती है? एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। पहुंचे ये बात, ये सुना दी हदीस इन्होंने। हदीस का पोस्टमार्टम तो हो गया ना, मुतमईन है ना। अब सुनिए शहजादी के दलाइल, जो शहजादी ने दलाइल पेश फरमाए हैं हदीस के मुकाबले पर। शहजादी ने पहली आयत सुनाई, तकरीबन चार आयतें सुनाई हैं शहजादी ने, और हर आयत अलग नहज की सुनाई है, अलग तरीके की, जिससे पता चलता है कि यह मामला सिर्फ फिदक का नहीं था। अब मैं बताऊंगा मामला क्या था असल में। पहली आयत सुनाई कि माजल्ला इतनी जल्दी मेरे बाबा पे इल्जाम, मेरा बाबा कुरान की मुखालिफत करेगा, जबकि कुरान में वरिसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, सुलेमान भी नबी दाऊद भी नबी, इसका मतलब नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। फिर दूसरी आयत पेश फरमाई, क्या तुमने कुरान में जकरिया के किस्से में नहीं पढ़ा है कि जकरिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फहबली मिल्लदुन का वली यरेसुनी वयरेसु आल याकूब, परवरदिगार तुम मुझे एक वली दे जो मेरा भी वारिस हो, आल याकूब का भी वारिस हो। कौन मांग रहा है वारिस? नबी। तो माजल्ला क्या जकरिया को पता नहीं है कि नबी वारिस बनता भी नहीं है, नबी वारिस बनाता भी नहीं है? अच्छा जकरिया ने तो दुआ कर ली, अल्लाह को कहना चाहिए था ऐ जकरिया तुम नबी होके मेरा कानून नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है कि नबी का कोई वारिस नहीं होता, तुम मुझसे दुआ कैसे कर सकते हो वारिस के लिए? जकरिया का दुआ करना, अल्लाह का दुआ सुनना, दुआ सुन के कबूल करना, कबूल करके यहिया जैसा बेटा देना, यहिया जैसे बेटे की सूरत में जकरिया का वारिस अता करना, इस बात की दलील है कि नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। पहुंच गई बात। अब शहजादी ने तीसरी आयत पेश फरमाई, अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, तुम ये सब कुरान की आयतें नहीं जानते हो, या तुम जाहिलियत के जमाने में पलट गए हो? असल मकसद ये था, असल मसला फिदक नहीं था, असल मकसद ये था कि शहजादी देख रही थी कि रसूल की आंख बंद होते ही रसूल की जगह पर बैठने वाले इस्लाम के कवानीन को कुचल रहे हैं और वही मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं जहां दाजौर दौरे जाहिलियत में इंसान जिया करता था। यानी शहजादी क्या बता रही है, दौरे जाहिलियत का क्या मतलब? यह आयत क्यों सुनाई? इसका ताल्लुक तो विरासत से भी नहीं है, इसका ताल्लुक तो किसी नबी से भी नहीं है, इसका ताल्लुक तो किसी पैगंबर से भी नहीं है। शहजादी ने फिर भी बयान फरमाया, क्या तुम दौरे जाहिलियत में पलट रहे हो? यानी शहजादी क्या बतानी चाहती है? जिस तरीके से जाहिलियत के दौर में बेटी को विरासत नहीं दी जाती थी, इसी तरीके से तुम इस कोशिश में लगे हो कि बेटियों को विरासत से दूर किया जाए। अब आप समझे, शहजादी अगर घर से निकल के दरबार में ना आती तो बेटियों की अजमत को फिर से कुचलने की तैयारियां हो रही थी। शहजादी फातिमा दरबार में आई और खातून की अजमत को बचाने के लिए निकली, उनकी फजीलत को बचाने के लिए निकली, और शहजादी ने दरबार में निकल के बताया कि जब तक फातिमा है जब तक बेटियों की अजमत और फजीलत बाकी रहने वाली है। फिर शहजादी ने चौथी आयत पेश फरमाई, यह चौथी आयत भी बड़ी टेक्निकल आयत है, तकनीक अगर समझ लेना अल्लाह के लिए तो शहजादी की फरासत को सलाम कीजिएगा। यह चौथी आयत बड़ी तकनीकी आयत शहजादी ने पेश फरमाई है। शहजादी ने पेश फरमाया, यूसीकुम फी औलादकुम लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उनसयैन, क्या तुमने कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी कि मर्द को
भी विरासत मिलती है, औरत को भी विरासत मिलती है। यानी शहजादी ने यह बताया कि तुम मुझे विरासत से महरूम करना चाह रहे हो, हालांकि कुरान में है कि बेटी को विरासत मिलती है। अब टेक्निकल कैसे है यह आयत, क्यों शहजादी ने सुनाई? इस आयत में है कि मर्द को औरत से डबल मिलेगा। तवज्जो अजीजो, जो मंजर पेश करने जा रहा हूं ना, अल्लाह के लिए अगर पहुंच जाए तो बताइएगा। इस आयत में यह है कि मर्द को औरत से डबल मिलेगा। मारेका खैबर है, 39 दिन तक मुसलमानों के घोड़े भागते रहे, लश्कर भागते रहे, 39वें दिन नबी ने ऐलान कर दिया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। इधर से फातह खैबर चला, घोड़े पर सवार, पत्थर पे अलम गाड़ा, मरहब के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके मरहब को पछाड़ा, दरे खैबर उखाड़ा, यहूदियों को हराया, वापस पलटे अली, माले गनीमत जमा किया गया। हर तारीख ये बताती है कि हर किसी को एक हिस्सा मिला, अली को डबल हिस्सा मिला, हर किसी को एक हिस्सा मिला, अली को डबल हिस्सा मिला। हर कोई चुप होके देखता रहा, किसी का कुछ न बोलना, हर किसी का खामोश रहना, यह बताता है कि उस वक्त भी सबको कानून इस्लाम पता था कि मर्द का हिस्सा डबल होता है। एक सलावात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो शहजादी ने ये 4 से 5 आयतें पेश फरमाई जो अलग अलग नहज की थी। सिर्फ विरासत का मसला हल नहीं किया, और ये भी मजाक जहानत था कि जो इस वक्त मिंबर पर बैठे थे उन्हीं को एक हिस्सा मिला था खैबर में। ये जो मिंबर पर बैठे थे इन्हीं को मिला था एक हिस्सा, और ये जो सामने खड़े थे अली की सूरत में, इनको खैबर में डबल हिस्सा मिला था। शहजादी ने किस तकनीक से हाकिम वक्त को पस्पा किया है कि तुम आज मिंबर पर बैठ के बोल रहे हो, अगर ये ना होता तो तुम्हें बोलने का मौका भी यहूदियत कभी नहीं देने वाली थी। इसी की वजह से तुम बचे हुए हो, जिंदा हो, बोल रहे हो। यह अजमतें थी शहजादी की। अब इंशाल्लाह देखिए, मिल्कियत भी शहजादी ने साबित की, हिबा भी शहजादी ने साबित किया, विरासत भी शहजादी ने साबित की, फिर भी फैसला क्या हुआ? शहजादी की मुखालिफत में। कल इंशाल्लाह फैसले पर गुफ्तगू होगी। कल आखिरी पड़ाव है फिरक के उन्वान से, कल 5वीं मजलिस इंशाल्लाह। कल बात करेंगे हम फैसले के ऊपर कि इनका फैसला कैसा था और कितना बेवकूफाना था और कितना अहमकाना था। ये सब चीजें मैं तारीख से आपको दिखाऊंगा कि कब कब कैसे कैसे कितने अहमकाना फैसले तारीख ने लिखे हैं। पुरानी तारीखों में, कुरान में भी तहरीर है, हदीसों में भी तहरीर है, रिवायात में भी तहरीर है, बहुत सारे वाकयात तहरीर है फैसलों के उनवान से। कल इंशाल्लाह फैसले पर बात होगी। शहजादी तशरीफ ले आई। हक शहजादी को देखने में तो नहीं मिला, लेकिन शहजादी ने जो हक साबित किया है दरबार में, मैं छोटा सा पॉइंट बस आपको बता रहा हूं, जहन आपका बेदार रहेगा हमेशा। जैसे हम कहते हैं ना कि करबला के मैदान में यजीद ने हुसैन को शहीद कर दिया, उस वक्त तो हुसैन कत्ल हो गए मगर कयामत तक के लिए जीत गए, ठीक। शहजादी को जाहिरन तो हक नहीं मिला, चूंकि ये मसला फिदक का था ही नहीं। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूं,
यह मसला किसी बाग और पेड़ और खजूरों और चश्मों का मसला नहीं था। शहजादी खजूरें जमीन और बाग लेने के लिए जाएगी। भाई जिसके बाप के सदके में सारी कायनात बनी हो वो फकीरों से खजूरें मांगने के लिए जाएगी। ये बाग और खजूर और पेड़ और जमीनों का मसला नहीं था। मसला क्या था वो समझिए। जिसको भी आप पूछिए, जिसको भी, कि जो किसी और फिरके से शियत में आया है, शिया जो बना हो, अहले सुन्नत से शिया बना हो, बरेलवी से शिया बना हो, देवबंदी से शिया बना हो, मिल जाएंगे आपको। पूछिए कि शिया क्यों हुआ, तो आपको यही बताएगा फिदक पढ़ के हुआ या फिदक सुन के हुआ। पहुंचे ये बात, मसला ये फिदक का नहीं था, अलीयुम वलीउल्लाह का मसला था। जो अलीयुम वलीउल्लाह आज तक और कयामत तक जिसकी जबान पे भी जारी होता रहेगा, सब फातिमा के साए में जारी होगा, फातिमा के सदके में जारी होगा। शहजादी विलायत के लिए तशरीफ ले गई थी। राह विलायत की सबसे पहली शहीदा को फातिमा कहते हैं। सबसे पहली शहादत जो अली के नाम पे हुई है वो शहजादी फातिमा की शहादत है। सबसे पहली शहादत। सख्त अगर मसायब हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दस 12 दिन का फासला है बस रसूल की आंख बंद होने से। इधर रसूल की आंख बंद हो गई, उधर मुसलमानों की आंखें बंद हो गई अहले बैत की तरफ से। बस एक मिनट मसाए पढ़ूंगा, रो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा जितना पुरसा देना होगा। सुनते हैं ना, 9 से 10 तक तो नाम याद है हमें कि जो शहजादी के दरवाजे को गिराने आए हैं। रिवायत बताती है 30 से 35 लोग थे। मोतबर तरीन 9 से 10 भी मान लीजिए, वो 9 से 10 लोग दरवाजे को धक्का दे रहे थे। और मेरी मजलूमा शहजादी फातिमा दरवाजे के पीछे अकेली खड़ी थी और आवाज दे रही थी, तुम उस घर को जला दोगे जहां हसन और हुसैन रहते हैं। आग और लकड़ियां जमा की गई, दरवाजे को आग लगा दी गई। सितम यही नहीं था कि दरवाजे को आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा। आधा दरवाजा जब रह गया ना, तो एक जालिम ने अपने पैर दरवाजे पे मारे। शहजादी फातिमा दरो दीवार के बीच में आ गई, फिर भी फातिमा ने दरवाजा नहीं छोड़ा। अचानक जालिम, जिसका नाम तारीख ने कुलफुज लिखा है, उसने अपनी तलवार उठाई, तलवार को अली की तरफ से पकड़ा और तलवार का हथियार शहजादी को अल्लाह जाने कैसे मारा होगा कि जो हाथों से दरवाजा छूट गया। शहजादी आवाज देती रही, फिजा दोड़ो, मेरा मोहसिन मारा गया। इसके बाद भी फातिमा को अली का इतना ख्याल, फौरन पूछा, फिजा अली कहां है? फिजा ने आवाज दी, ऐ शहजादी, वो अली के गले में रस्सी का फंदा डाले डाले घर से खींच के मस्जिद की तरफ ले जा रहे हैं। फातिमा जल्दी से उठी, अली के दामन को पकड़ा, मेरे अबुल हसन को छोड़ दो, मेरे अली को छोड़ दो, मैं अली को घर में ले जाऊंगी, अली कभी घर से बाहर नहीं आएगा। फातिमा आवाज दे रही थी, मुसलमान हंस रहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसी दरवाजे पर आकर रसूल सलाम किया करते थे। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमु लदीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैही राजिऊन।
رزم بقضائه وتسليما لامره. بارلا شریکان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. شریکان مجلس کی عزاداری، ان کے نوحے، ان کے ماتم، ان کے آنسو، ان کے اشکوں کو بارگاہ قبولیت میں جگہ عنایت فرما. بارلا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزائے جناب سیدہ منعقد ہو رہی ہے، اس عزا میں جو بھی افراد شریک ہو رہے ہیں، دامیں، درہمیں، سخنیں، تشریف لا کر بیٹھ کر خطاب کر کے، نوحہ پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے، ماتم کر کے، رو کر، پروردگار سب کی عبادت اور عزاداری کو قبول فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و عوان میں شریک ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.